write down on both the pages, on line page also and white page. Right here, both side you will write down the aim. Here you will write down material required. Here you will write down material required and the procedure on this side. Okay. Here you will make the diagram. Right. After that, observation. And if any precaution, then you will write down precaution here. Right, bache. अब एक्टिविटी का नेम सुन लो. इन दिस द बायो पोर्शन यू हैव टू डू टू मेक अ टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पीक. ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड. ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर. आपकी सिलेबस में टू एक्टिविटीज आर देयर टू मेक अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील एज वेल एज द चीक सेल, बट ऑल ऑफ यू विल डू ओनली ऑनियन पील. ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड आपको पता है, ऑनियन स्लाइड, फोर्सेप, ग्लिसरीन, सेफ्रोनिन और मिथिलीन ब्लू, कोई भी कवर स्लिप है ना. देन प्रोसीजर क्या है, टेका क्या लेते हैं, टेका ऑनियन एंड रिमूव द लेयर ऑफ इट. ठीक है, लेयर ऑफ इट, पुट इट ऑन द पेट्री डिश व्हिच इज हैविंग अ वाटर इन इट, उसमें रखो. देन पुट इट ऑन द स्लाइड या कीप इट ऑन द स्लाइड एंड देन ऐड अ मिथिलीन ब्लू और द सेफ्रोनिन ओवर इट. ठीक है, कवर इट विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एंड यू विल सी द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल. ठीक है, नाउ लुक हियर, आई एम शोइंग यू द वीडियो. This activity you have to do. Yes. I am going to share the screen to show that the two temporary mount, make a temporary mount of onion peel. अरे भैया, business में zero किसको पसंद है? मुझे मुझे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन. आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ओनियन पील का स्टेंट टेम्पररी माउंट कैसे बनाया जाता है और इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बारे में. हमने यहाँ पे वीडियो के फोर्थ फोर्थ क्लास में अगेन, इसके बाद हम यहाँ पे ओनियन का जो कट करके हुआ पीस है इन ले लिया है, उसको हमने छील के उसको कट करके रख लिया है यहाँ पे वॉच क्लास में. सेकंड वॉच क्लास में हमने वाटर लिया है, थर्ड वॉच क्लास में हमने सेफ्रिन सॉल्यूशन को डाइल्यूट फॉर्म में लिया है और उसके फोर्थ वॉच क्लास में अगेन हमने वाटर लिया है. उसके बाद हम यहाँ पे ओनियन का जो कट करके हुआ पीस है उसको हम लेंगे और उसके बाद ऊपर का जो अपर स्केल है, जो अपर लेयर है, उसको निकाल लेंगे इस तरीके से. और तो उसका जो इनर पार्ट है, उस इनर पार्ट से हम एपिडर्मल लेयर को फोर्सेप्स की मदद से रिमूव करेंगे. आप देख सकते हैं ये जो लेयर इजिली जो है रिमूव हो रहा है और ये जो ट्रांसपेरेंट से जो थिन लेयर जो दिख रहा है, यही जो है ओनियन पील है और इसी को हमको माइक्रोस्कोप में देखना है माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए. और इसके बाद अगेन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाता है और इसको हमको वॉच ग्लास जिसमें हमने वाटर लिया है उसमें हमको ट्रांसफर करना होता है. तो हमने ओनियन पील ले लिया और इसको वॉच ग्लास में हमने ट्रांसफर कर दिया जिसमें वाटर है, उसको छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे ब्लैक चीनी से. छोटे पीसेस में कट करने के बाद अब इसको हम सेफ्रोनिन सॉल्यूशन को हमने वाटर डाल के इसको डाइल्यूट किया है ताकि ओवर स्टेनिंग न हो और थोड़ी देर के लिए रख देंगे लगभग एक मिनट के लिए. और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा स्टीम है उसको वॉश करने के लिए अगेन क्लीन वाटर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे. और उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्टीम को रिमूव करने के बाद हम इस पील को लेंगे और उसको क्लीन स्लाइड में ट्रांसफर करेंगे. क्लीन साइड में ट्रांसफर करते टाइम इस चीज का ध्यान रखें कि जो डबल लेयर ना हो, डबल लेयर मीन्स फोल्ड ना हो हमारा जो सेक्शन है. उसके बाद हम ड्रॉपर की मदद से टू ड्रॉप हम ग्लिसरीन को ऐड करेंगे सेक्शन के ऊपर और उसके बाद हम कवर स्लिप से इसको कवर करेंगे सेक्शन को. कवर स्लिप से कवर करने के टाइम इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें कोई एयर बबल्स ना हो और उसको हम नीडल की मदद से अच्छे से उसको स्लोली उसको कवर करेंगे ताकि एयर बबल्स ना आए. और जो एक्स्ट्रा ग्रीन स्क्रीन जो
कवर स्लिप के बाहर जो निकल गया है उसको हम कवर स्लिप को प्रेस करेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन निकला है उसको हम टिश्यू पेपर से उसको रिमूव कर लेंगे। हमको जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है जो कवर स्लिप के बाहर निकला हुआ है उसको टिश्यू पेपर से सभी तरफ से उसको रिमूव कर लेना होता है। उसके बाद हमारा स्लाइड रेडी है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। हमने यहाँ पे ओनियन पील मीन्स एपिडर्मल लेयर को हम 10x आईपीस और 10x ऑब्जेक्टिव लेंस पे देख रहे हैं। इसका मतलब 100x मैग्निफिकेशन पे हम यहाँ पे एपिडर्मल लेयर मीन्स ओनियन पील को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो रेक्टेंगल शेप या कदर देख रहे हैं वो कहलाता है एपिडर्मल सेल, और जो आपने थिक लाइनिंग देख रहे हैं वो थिक लाइनिंग कहलाता है सेल वॉल, और जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं वो डॉट्स कहलाता है न्यूक्लियस। आप इसे को हम आपको जूम करके दिखाएंगे और जूम करने पे आप क्लियरली चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से इसको लेबल कर सकते हैं। आप यहाँ पे लेबल किए हैं सेल वॉल जो सेल है एंड न्यूक्लियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Right, I am going to ask the questions, MCQ, so just give me answer. Okay, think and give answer. Cell theory was proposed by Robert Brown, Robert Hooke, Sladen and Chevron, Anton von Leeuwenhoek. Sladen and Chevron. ठीक है, उन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी इन 1838 एंड 1839 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, चाहे बुक का नहीं है सुन लो, विच इज ए सेलुलर वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगाई वायरस होता है, ये याद रख लेना, वायरस इज ए सेलुलर है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Select the correct pair of unicellular organism. Select the correct pair that comprises of unicellular organism. Amoeba and rhizopus, Paramecium and Chlamydomonas, Bacteria, fungi, plant, animal. कौन सा? Paramecium and Chlamydomonas. Next question, odd one out. ठीक है? Chlamydomonas. Paramecium, bacteria. Second option, fungi, plants, animals. Third option, sperm, neuron, amoeba. Sladen, Chevron, Virchow. कैसे? Fungi, plants, animals. कैसे? क्या है fungi? Unicellular, multicellular. Plants क्या है? Animals क्या है? Odd one कैसे हुआ? ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी ऑप्शन बोली है मैंने, स्पर्म न्यूरॉन एंड अमीबा, ये वाली। क्यों? फिक्स शेप है, वैसे भी वो ह्यूमन है, स्पर्म सेल एंड न्यूरॉन ह्यूमन सेल्स राइट, और वैसे भी दे आर हैविंग द फिक्स शेप, वेयर एज इन केस ऑफ द सॉरी हाँ अमीबा That is the do not have a pitch shape, और वैसे भी वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है, pitch shape पे जा सकते हैं। sperm neuron amoeba. Next is which structure in plant cell is responsible for providing the energy required to drive cellular process? Mitochondria. बिना पढ़े आंसर दिया, very good. Sixth question. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, ध्यान से सुनना है, वेरी नाइस, प्रोटीन्स एंड लिपिड। प्रोटीन्स हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों बनाए थे, वेरी नाइस बच्चे। नेक्स्ट इज, अच्छा ये आपकी बुक में वर्ड है, आ गया, सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुलर सेलुला, किसने दी थी? हाँ किसने दी थी? सही बोल रही है,
रुडोल्फ वर्चो ने ये टर्म दी थी, जिसका मतलब क्या है? वेरी नाइस, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यही इसकी ऑप्शन थी। सुनो, सुन लो, सुन लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुलर सेलुला? दैट मींस ऑप्शंस थी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देमसेल्व्स, सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ऑप्शन क्या हुई? सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। रूट हेयर एब्सॉर्ब वॉटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ट्रांसपीरेशन कैसे हुआ? वो तो लीव्स करेंगी। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली मेड अप ऑफ चिटिन, लिपिड्स, लिग्निन, सेलुलोज। नहीं, लिपिड्स। वहां पे सेल वॉल जो क्या कहते हैं, एडिशनल प्रोटेक्टिव, मैं बोलने लगी हूँ, प्लांट जो होता है एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा सेल वॉल है थिक है, नॉन लिविंग है, रिजिड है, क्या कह रहे हो? सेल वॉल, हाँ सॉरी, ठीक है। अब प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन विल नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। हमने कहा हाइपोटोनिक में वो फूल जाएगा, है ना, हाइपो में वो हो जाता है, स्वेल हो जाता है, तो वो बर्स्ट क्यों नहीं करता? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रिप्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। An organism has poorly defined nuclear membrane in its cells. The organism could be bacteria, fungi, animal, bird. So fungi होता है, वो मल्टी है, बैक्टीरिया में पुअरली है क्योंकि वहां पे आपने प्रोकैरियोटिक सेल बनाया था और बैक्टीरियल सेल जिसकी पुअरली वेल डिफाइंड था, तो दैट इज द बैक्टीरिया। Which cell organelle? Largest number of cell bodies of neuron in our body are found in. Question समझ आ गया? Largest number of cells of neuron. Cell brain. ठीक है, options थी retina, spinal cord, brain, tongue. तो ब्रेन में क्योंकि मैसेज ट्रांसफर होने। देन इफ द राइबोसोम्स ऑफ द सेल आर डिस्ट्रॉयड, अगर राइबोसोम्स डिस्ट्रॉयड कर दिए जाए, देन क्या नहीं होगा? सुनो, मतलब क्या होगा? रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस, फैट्स विल नॉट बी स्टोर्ड, कार्बन असिमिलेशन विल नॉट अकर, प्रोटीन सिंथेसिस विल नॉट बी फॉर्म। Ribosomes helps in the protein. What is autolysis? Autolysis? नहीं पता, मैं बता देती हूँ। वैसे ऑटो मीन सेल्फ, ठीक है, लाइसिस को हम बोलते हैं डाइजेशन, सेल्फ डाइजेशन वाले को बोलते हैं ऑटोलिस, ठीक है। The transportation of material in the cell is done by transportation of the cell is done in the done by Golgi complex, lysosome, mitochondria, endoplasmic reticulum. Lysosome का what is the other name? तो वो transportation करेंगे? नहीं, Golgi bodies ये काम करती हैं, endoplasmic reticulum। क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए थे, व्हाट दे विल डू? दे विल ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, ठीक है। हाँ,
अच्छा एक ना सारे चलो एक डायग्राम बना हुआ है ठीक है प्लांट सेल का, तो उसने पूछा है ऑप्शन देके बी क्यू आर एस टी समथिंग करके, ही आस्क द क्वेश्चन कि हेल्प द स्टूडेंट टू कंक्लूड दैट इट इज अ प्लांट सेल। आप वैसे ही बताओ मुझे, एक डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल, समझ लो हमने एक डायग्राम बनाया हो ठीक है, उसमें लेबलिंग के टर्म लिखे हुए कि पी क्यू आर एस टी यू, लेबल नहीं कुछ कर। How you will confirm that which two parts indicate that it is a plant cell? दो चीजों से वी कैन इजिली टेल, या क्लोरोप्लास्ट वो भी हमें बताएगा ठीक है, दो चीजों को देख के वी कैन इजिली आइडेंटिफाई दिस इज अ प्लांट सेल। वन इज द सेट, हाँ ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, सेल वॉल हो सकता है, साइज ऑफ वैक्यूल, इनको देख के यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज अ प्लांट सेल। क्या कब छोटा होता है प्लांट्स में ज्यादा बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वैक्यूल, अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। मैंने पूछा व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, सुन लीजिए, अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, सेकेंड ऑप्शन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो तो होगा ही नहीं है ना, थर्ड ऑप्शन जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, नो वो साइटोप्लाज्म है, फोर्थ ऑप्शन द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ए ऑप्शन। ठीक है जी, समझ आ गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो हम सेंट्रल वाला वैक्यूल बनाते हैं किसकी, अब मैं ऑप्शंस बोलती हूँ, स्टोर वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस करता है, राइट रिलीज एनर्जी फ्रॉम स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, protects the genetic material of the cell, A, that is store water and dissolve nutrients. In chloroplast, light is captured by, in chloroplast, light is captured by, मैंने शायद करवाया नहीं था, पता नहीं देख लो याद है कि नहीं, options हैं, grenas within cisternae, grana within thylakoids, हमने वैसे मैंने एक वर्ड बोला था जब मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी तो थायलाकोइड्स बनाए थे मैंने थायलाकोइड्स विद इन ग्रेना, हम एक स्ट्रक्चर के अंदर पाइल्स बनाई थी क्लोरोप्लास्ट की और बनाया था मैंने पक्का, उसके बीच में इतने इतने हमने वो बनाए थे, दीज आर थायलाकोइड्स, वो जो है दैट इज हेल्प, चलो ये नहीं होगा ओके okay.